এগিয়ে চলো এবার তোমার সাথে আছি সাথে আছি সাথে আছি বলে মাতরম বলে মাতরম पांच साल के लंबे इंतजार के बाद आज एक दफा फिर से चापदानी मुंसिपलिटी के नजदीक पालता घाट फेरी सर्विस का इफ्तिताह हुआ। चापदानी मुंसिपलिटी के चेयरमैन सुरेश मिश्रा और मुकामी एमएलए ने रिबन काटकर फेरी सर्विस का आज इफ्तिताह तो कर दिया, मगर दरिया उस पार नवाबगंज फेरी घाट अब भी नामुकम्मल होने की वजह से आइंदा 10 मार्च से ये मुसाफिरों के लिए पालता घाट फेरी सर्विस शुरू कर दी जाएगी। आज सोमवार की सुबह चापदानी मुंसिपलिटी के वार्ता हॉल में एक इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें चेयरमैन के अलावा नायब चेयरमैन विनय कुमार और मुकामी एमएलए और काउंसिलर मौजूद थे। सभी ने एक तरफ जहां फेरी सर्विस शुरू करने में ताखिर के लिए बासिंदगान चापदानी से माजरत चाहा। इसके बाद रियासती वजीर आला ममता बनर्जी, रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट सनासी चक्रवर्ती का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान चेयरमैन सुरेश मिश्रा ने क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं। চাপদানির মানুষকে একটি গঙ্গা রক্ষে উন্নততর আধুনিক পরিষেবা প্রদান করা সহযোগিতায় আনতে পেরে আমরা সত্যি আনন্দিত উৎসাহিত এবং উৎফুল্লিত। कि आज तो मतलब बच्चे तो खुश हो गए, उससे ज्यादा खुश आज हम लोग हैं। आज बच्चों के लिए हम लोग कुछ कर पाए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है ठंड हो या कोई भी समय हो, ये बच्चे जो है सबसे ज्यादा तकलीफ उनको सहना पड़ा, क्योंकि घर के बगल में घाट था और घाट बंद होने के कारण उनको घर से एक घंटा पहले निकलना पड़ता था। घर से तो मॉर्निंग जो मॉर्निंग जो क्लास होता है तो बच्चे को घर से निकलते थे 7 बजे, वो 6 बजे निकलने पर तो घर से निकलना पड़ता था। तो उन बच्चों के लिए आज हम खुश हैं, खास करके चंद्रह निर्वाचन के आज खुश है। 5 साल के बाद में हमारा सबका घर पूरा हो रहा है। और एक बात हम कहना चाहेंगे, जो लोग सरकार को पोसते हैं, जो लोग सरकार को बदनाम करते हैं, ये उन लोगों के मुंह में एक बहुत बड़ा तमाचा है। इस प्रोजेक्ट में कितना रुपये का खर्च हुआ है? देखिए, ये तो जेपी हम लोगों का करीबन 2 करोड़ 80 लाख के आसपास खर्च हुआ है जेटी बनाने में। जी, उस पर जो जेटी है हम लोगों का नवाबगंज का, उसमें करीब 3 करोड़ प्लस खर्चा हुआ है। और ये जो लॉन्च वेसल बैठे हम लोग, ये वेसल मिनिमम जो है हम लोग का 80 से 90 लाख का वेसल देंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा गया है कि आपने पूरे हुगली जिला में रिवर में इस तरह का बैठने का जो सिस्टम नहीं है, जो ये जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जो सेटिंग मिला है, क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का तो यही सोच है कि अच्छा से अच्छा हम लोग करके दें, लोगों को लाभ मिले। और गवर्नमेंट ने ये कर दिखाया है। हम चापदानी पौरसभा की तरफ से, मैं खास करके अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं सुरेश चक्रवर्ती जी, उनको अपने विधायक अरिंदम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर ये लोग नहीं रहते अगर तो शायद ये घाट चालू करने में और भी देखते हैं।